मेवाड़ के किसी समय कद्दावर कांग्रेस नेता व स्वतंत्रता सेनानी पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय गुलाब सिंह शक्तावत की शुक्रवार को 12वीं पुण्यतिथि पर भिंडर के रामपोल बस स्टैंड स्थित मूर्ति स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में शक्तावत के पुत्र पूर्व पालिका अध्यक्ष देवेंद्र सिंह शक्तावत व पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के सानिध्य में सैकड़ों कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शक्तावत को याद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस महासचिव व पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत ने कहा कि पिता ने जो विधानसभा में आदर्श स्थापित किए हैं उनका अनुसरण करते हुए उस राह पर चलते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। चुनाव नजदीक है, सभी चुनाव में जीत जाएं और कांग्रेस का विधायक जिता करके विधानसभा में भेजें। आप और हम सभी मिलकर आने वाले समय में कांग्रेस राज को पुनः स्थापित करेंगे, कांग्रेस संगठन को मजबूत करेंगे। पूर्व पालिका अध्यक्ष देवेंद्र सिंह शक्तावत ने कहा कि पिता के लिए वल्लभ नगर विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ता पहले पुत्र के रूप में थे। मेरा और गजेंद्र सिंह का नंबर बाद में आता था। मैंने पिता का जीवन बहुत नजदीक से देखा है। उनको हार जीत से ज्यादा वल्लभ नगर तहसील में एक एक गांव से प्यार था। श्रद्धांजलि सभा को वयोवृद्ध नेता रूपलाल नंदावत, पूर्व पालिका अध्यक्ष हातिम अली बोहरा, पूर्व भिंडर ब्लॉक अध्यक्ष कुबेर सिंह चौहान, जिला परिषद सदस्य माधव लाल अहर, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष सुंदर लाल लिखमावत, भिंडर ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कुकड़ा आदि ने संबोधित किया। आइए चलते चलते एक बार फ्रेंड्स जाते भी देखिए खास सुर्खियों पर।